नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पे। ऑफिशियल दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 को लेकर दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगर बात करें ललित सर के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल नोटिस होगा। साथ में दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ 69,000 साथ में 37,339 कट ऑफ मुद्दे की सुनवाई को लेकर दोस्तों ललित सर ही सुनवाई करेंगे। परेशान होने की दोस्तों आप सभी को आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसी सप्ताह दोस्तों जो आपकी फाइनल सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, लेकिन दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा उससे पहले कि सोशल मीडिया पर तमाम दोस्तों आपको अफवाहें देखने के लिए मिल रही, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ललित सर ऐसे में छुट्टी पर चले गए, तो आगामी समय के अंदर आपकी जो सुनवाई है वो देखने के नहीं मिलेंगी, 69,000 भर्ती लटक जाएगी। सारे सवालों के जवाब दोस्तों आप सभी को देने वाला हूं। थोड़ा सा लेट है, उसका रीजन बताना चाहूंगा, कोल्ड होने की वजह से दोस्तों आप सभी के बीच उपस्थित नहीं था। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें, लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको जानकारी देते हैं, अगर आपको दोस्तों वो जानकारी देते हो, अगर वो दोस्तों जानकारी है तो दोस्तों आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन कुछ लोग दोस्तों आपको जानकारी तो देते हैं लेकिन वो जानकारी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उन अभ्यर्थी को जानलेवा बन जाती है, क्योंकि आप सभी को बताएं अभ्यर्थी पिछले 1.5-2 साल से परेशान है। ऐसे में दोस्तों कुछ यूट्यूब चैनल आप सभी के सामने इतनी सटीक जानकारी देने की कोशिशें करते हैं, लेकिन मैं दोस्तों आपको कई बार बता चुका हूं कि उनकी तरफ से आपको फेक जानकारियां प्रोवाइड की जाती हैं, कोई उनके पास तथ्य नहीं होते और ना ही उनको खुद कोई जानकारी है कि किसी दोस्तों सोशल मीडिया पर जाकर के या फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको बता पाए क्या सच में ऐसी कोई जानकारी निकली है भी कि नहीं निकली है। क्योंकि दोस्तों मैं यहां पे उपस्थित नहीं था, दोस्तों जैसे ही मुझे जानकारी मिली कई अभ्यर्थी दोस्तों मुझसे पूछा गया क्या उमेश ललित सर छुट्टी पर चले गए, क्या कट ऑफ मुद्दे की अगले हफ्ते सुनवाई नहीं होगी। फिलहाल दोस्तों इसको लेकर सोशल मीडिया पूरे तरीके से भर चुकी है, तो ऐसे में दोस्तों मैं आपसे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा और साथ में दोस्तों आपसी को कहना भी चाहूंगा, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते दोस्तों आपसी को ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से आपको कोई जानकारी दी जाती है दोस्तों 100% सही होती है। आप सभी यहाँ पे देखेंगे, पहले बताना चाहूंगा जो लोग दोस्तों परेशान है कि उदय उमेश ललित सर दोस्तों छुट्टी पर चले गए, बिल्कुल नहीं गए। आप दोस्तों 20/7/2020 की यहाँ कॉलेज देख सकते हैं, मैंने दोस्तों आपसी के सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, मोहन सर भी बैठे हुए, विनीत सर भी बैठे हैं, 3 जज दोस्तों हमारे केस को सुने थे स्टार्टिंग से, बीच में 2 जजों ने सुनाया जो कि मोहन सर साथ में ललित सर हैं। ये दोस्तों 20 तारीख की कॉजिस्ट है जो कि आपसी 10:30 बजे से देख पाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों अगर बात करें 21 तारीख को लेकर आपसी परेशान हो सकते हैं, तो 21 तारीख के अंदर भी दोस्तों उदय उमेश ललित सर जी बैठे हुए कोर्ट नंबर 5 के अंदर, जो कि दोस्तों 1 बजे से सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी, उसमें दोस्तों स्पेशल बेंच में सुनवाई करें 21 तारीख को। यहां पर भी दोस्तों मैं आपसी को दिखाना चाहूंगा उदय उमेश ललित सर के साथ में विनीत सरन भी बैठे हुए हैं, जो कि दोस्तों 1:05 से सुनवाई करेंगे। 21/7/2020 की दोस्तों कॉजिस्ट है, मतलब दोस्तों अगले हफ्ते की। अभी तक दोस्तों जो कॉजिस्ट जारी है 22 तारीख तक हो गई है, और 22 तारीख तक भी दोस्तों यहां पे उदय उमेश ललित सर जी बैठे हुए हैं, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने है। यहां पे दोस्तों आप सभी देख सकते 22/7/2020 आप सभी देखेंगे, इसके अंदर भी दोस्तों जो ललित सर हैं वो बैठे हुए 2 बजे से सुनवाई आपको देखने के मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों अगर बात करें, मैंने आप सभी को काफी कुछ दिखा दिया है, यहां पे भी दोस्तों आप सभी देखेंगे 22 तारीख के अंदर तीनों जज दोस्तों आपको एक साथ भी देखने मिले कोर्ट नंबर 5 के अंदर, जहां पे 10:30 बजे से दोस्तों सुनवाई करेंगे। ललित सर के साथ मोहन सर भी और विनीत सरन सर भी हैं, तो ऐसे में जो लोग दोस्तों आपको अफवाह फैला के ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जज साहब छुट्टी पे चले, तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों को समझना पड़ेगा। उनका काम सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको परेशान करना, उनके पास इतनी जानकारी वो आपको दे देते हैं, कहीं से भी दोस्तों पोस्ट को उठा के आपको जानकारी दे देंगे, लेकिन ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल जब तक दोस्तों कोई जानकारी ऑथेंटिक नहीं होती है तब तक आप सभी को प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है 22 तारीख तक दोस्तों उमेश सर यहाँ बैठे हो, ना ही दोस्तों उनको छुट्टी को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर जारी होगा तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों कोई भी जज छुट्टी पर नहीं गए हैं, जो भी आपको जानकारी दे रहे हैं उनके सामने दोस्तों मेरे पास सारे के सारे सबूत। ऐसे में दोस्तों ऐसे लोगों से आप सभी को दूरी बनानी पड़ेगी, तभी दोस्तों आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारी तरफ से जानकारी दोस्तों बिल्कुल सही आप सभी तक प्रोवाइड की जाती है। वहीं दोस्तों बात करें सुनवाई को लेकर भी दोस्तों आपको देखने के मिल रहा है कि 24 को सुनवाई होगी कि नहीं होगी, लेकिन जो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की गई है रजिस्ट्री के माध्यम से, जो कि दोस्तों आपको केस को लिस्टेड करेंगे, उनका कहना है कि आपकी जो सुनवाई होगी दोस्तों 24 तारीख को देखने की मिलेगी। तो ऐसे में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, फिलहाल दोस्तों 24 तारीख की कोशिश तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, ना ही कोई जज दोस्तों छुट्टी पर है, ना ही अगर बात करें आगे आने वाले समय के अंदर दोस्तों आपका जो मामला आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है दोस्तों अगर शुक्रवार को आपको सुनवाई होगी तो काफी कुछ दोस्तों यहां से जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को दोस्तों पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी जो रिजल्ट है दोस्तों पॉजिटिव रहेगा। मुझे उम्मीद दोस्तों आप सभी को सारी चीज समझ में आ चुकी होंगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।